एक आम आदमी खास कैसे बनता है आज मैं उस पर भी बताऊंगा कि रियली में ये था क्या, ये कैसा जुनून था, कैसा ये काम था जिसकी वजह से आज मेरे जैसे लोगों को यहाँ ला के पहुँचाया। शायद आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ आपके लाइफ में भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको जुनून से आपको करना पड़ेगा और इसको ढंग से सुनना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए आज मेन मैं आपको बताऊंगा हमारा पर्पस क्या है यहाँ आप तक पहुँचने का, यहाँ पहुँचने का पर्पस क्या है। आज हम हजारों किलोमीटर दूरी तय करके दिल्ली जैसे महानगर में पहुँचे हैं, क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है पैसा, नहीं तो इससे बेहतर अपना गाँव नहीं था क्या? बहुत बढ़िया था। आज दूसरा पर्पस क्या है? भगवान ने बहुत सोच समझ के हमको इस धरती पे भेजा है, जा तुझे कुछ अच्छा करना है। तुझे कुछ अच्छा करना क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी, हमारा रिलेटिव, हमारा जान पहचान, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी हमारे जैसा नहीं बनना चाहता। क्या मैं सही बता पा रहा हूँ? रीजन क्या है? हमारा बच्चा हमारे जैसा इसलिए नहीं बनना चाहता कि हम कुछ अलग नहीं किए, कुछ अलग नहीं किए। आज देखा जाए भगवान इस धरती पे हमें कुछ अलग करने के लिए भेजा है, लेकिन आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। भेद चाल में जो दुनिया कर रही है वही हम कर रहे हैं। हमारा जो औकात है औकात को हम पार नहीं कर रहे हैं। हमारे औकात में ज़्यादातर लोग 10, 20, 25, 50,000 कमा रहे हैं। हम सोचते हैं हम भी यही कमा सकते हैं, लेकिन उसी औकात में से कोई एक बंदा निकलता है जो 5 लाख 10 लाख कमाता है तो दुनिया उसको सैल्यूट करता है। आप क्या चाहते हैं उस भेद चाल में? अलग, यदि अलग करना चाहते हैं तो कुछ अलग करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे जान पहचान में ज़्यादातर लोग 5-10 लाख का कार ले लेता है तो हम सोचते हैं वही जिंदगी है। उसी बीच में से कोई ऑडी मर्सिडीज जैसे बढ़िया कार लेता है तो महसूस होता है ये बंदा कुछ अलग है, और जब अलग करता है तभी दुनिया उसको सैल्यूट करता है। भगवान आज आपको इसी कैटेगरी के लिए आपको इस धरती पे भेजा है कि जाइए, आपको कुछ अलग करना है, आपको कुछ अलग करके आना इस धरती से। आज तो हमें सोचने का क्षमता है, समझने का क्षमता है, बहुत कुछ करने का क्षमता है। आज हम मूछ वाले हैं, हो सकता है इस जन्म में हम कुछ नहीं कर पाए और अगले जन्म में यदि हम मूछ वाले बनेंगे तब क्या होगा? क्या मूछ वाले जिंदगी में हम सोच पाएंगे कि अपने लिए बेहतर सोच पाएंगे, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे? शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मौका है, आज आपको मौका है, इस जिंदगी को भरपूर इंजॉय लीजिए। जो आप चाहते हैं वो लेके जाइए। भगवान यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं ले रखा, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्योंकि आप जब भी डिमांड करते हैं, जब भी आप डिमांड करते हैं ना, तो भगवान का कंप्यूटर ऑन होता है, टक 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 करके ऑन होता है। जो कहते हैं वो तैयार भगवान कर देता है, भगवान रेडी कर देता है। लेकिन होता क्या, जो जिद्दी बनता है मजबूरी होकर के भगवान उसके घर पे वो सामान भेज देता है। कार लेना होता है, घर लेना होता है, बढ़िया पैसा वो भगवान भेज देता है। और जो एक बार डिमांड तो करता है, उसको विश्वास होता है यार मैं तो ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, वो पैर पीछे करता है तो वही चीज़ ऊपर में अटका हुआ रह जाता है, सिर्फ आप पे डिपेंड। कंपनी ने बोला सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको मन से जिद्दी बनना पड़ेगा, और जिद्दी बनेंगे तो मिलेगा। पहला पर्पस था कि इस दुनिया में यदि हम आए हैं तो आज हम कुछ अलग करके जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा पड़ोसी, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो तो हमारा पड़ोसी कहे ऐसा बढ़िया हुआ सलाह चला गया। बहुत दुनिया को दुखी करता था, होता था, होता है नहीं? बहुत सारे जब लोग मरते हैं और दुनिया में कुछ नहीं करते, कुछ अलग करके जाते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं तो दुनिया उस पर कहता बढ़िया हुआ ये कुछ ऐसा ही, ये बहुत दुनिया को परेशान करता। ऐसा भी नहीं हो कि आपका बच्चा आपको कहे कि ये जीते जी तो गया, हमें दुखी कर गया, बहुत सारा हमें कर्जा दे गया। ऐसा ना हो कि बहुत सारा आपको ताने दे। ऐसा होना चाहिए कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो तो आपका पड़ोसी आपसे आह करे, आह कैसा आदमी था, कितना बढ़िया आदमी था यार। ये हर आदमी एनी टाइम दुनिया को बेहतर करने के लिए सोचता था, दुनिया को हंसाता रहता था, दुनिया को कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना चाहता था, लोग आपके लिए आह करें। क्या ऐसा जिंदगी चाहते हैं? Yes. चाहते हैं? Yes. तो आज के बाद यहाँ से आप डिसीजन लेके जाइए कि अपने जिंदगी में मैं कुछ अलग करूंगा। दूसरा पर्पस क्या है? पैसा। आज आप हजारों किलोमीटर दूरी तय करके यदि दिल्ली जैसे महानगर में आप पहुंचे हैं तो पैसा कमाने के लिए, तो पैसा ऐसा नहीं कि बहुत छोटा, आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है।
ये नहीं कि जो मिल गया उसी में संतुष्टि ले ले, नहीं, आपको कुछ बड़ा पैसा कमाना है। क्यों बड़ा पैसा कमाना है? हम सबका पर्पस होना चाहिए बड़ा पैसा। अब ये बड़ा पैसा क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई बढ़िया सा कार देखते हैं ना, तो मन में होता है काश ये कार मेरे पास भी हो जाता तो मजा आ जाता। जब भी किसी का बढ़िया घर दिखता है तो मूड होता है काश ये घर मेरा होता तो मजा आ जाता। जब भी किसी का बच्चा बढ़िया स्कूल में जा रहा होता तो महसूस होता है काश मेरा बच्चा भी बढ़िया स्कूल में जा रहा होता तो मजा होता। ये ढेर बहुत सारा हमारा ड्रीम बनता है। और ड्रीम कार का घर का ट्रेवल फंड का हायर एजुकेशन का, ये तमाम तरह से बहुत सारा ही मिलता है। पता है ये ड्रीम क्यों बनता है? क्योंकि बचपन में यदि ड्रीम ना हो तो हम किसी जानवर से भी कम नहीं है। बचपन में हमारी मम्मी पापा हमें ड्रीम को दिखा दिखा के हमें तैयार करते हैं और तब हम बहुत बड़ा पढ़ाई करते हैं, 15 से 20 साल देते हैं और ड्रीम को दिखा के। क्योंकि हो क्या रहा है, आज भी यदि किसी के पास ड्रीम नहीं है तो जानवर से कम नहीं है। हमारे और जानवर में अंतर क्या है? पेट तो उसका भी भर रहा, पेट हमारा भी भर रहा। हमारे पास ड्रीम है बढ़िया अच्छा दिखने का, ये दुनिया से मैं बिल्कुल अलग दिखूँ, मैं अच्छा कार लेने का, घर लेने का, बच्चे को बढ़िया परवरिश करने का, ये हमारा ड्रीम है। तो हम इंसान, इसलिए हम इंसान हैं। और यदि हमारे पास ड्रीम नहीं तो कोई फायदा नहीं, ये सारा ड्रीम बनता है। और हम लोग 15 से 20 साल एरी का चोटी दम लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं ड्रीम को पूरा करने के लिए। इस ड्रीम को कौन पूरा करता है? इस ड्रीम को जो पूरा करता है वो करता है पैसा। लेकिन आज जो हम पैसा कमा रहे हैं, जितना आज हम पैसा कमा रहे हैं, उससे क्या आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में बढ़िया कार ले पाएंगे? क्या लगता है आप बढ़िया घर बना पाएंगे? क्या लगता है कि आप कभी विदेश जा पाएंगे? क्या लगता है आप बढ़िया से बढ़िया स्कूल में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं? शायद नहीं लगता। इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण है कि आप बहुत कम पैसे कमा रहे हैं और कम पैसे की वजह से आपका एक भी ड्रीम पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये होगा कब? जब आप बड़ा पैसा कमाएंगे। और जिस दिन आप बड़ा पैसा कमाएंगे आपका हर ड्रीम पूरा होगा और आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे।